72,000 रुपए प्रति वर्ष गरीबों के अकाउंट में पहुंच जाएगा, ये कांग्रेस पार्टी ने अभी ऐलान किया चुनाव से ठीक पहले। आपका 6,000 के जवाब में उन्होंने 72,000 का ये करके जवाब दिया, इससे आपके ऊपर कितना दबाव पड़ा? जरा भी दबाव नहीं भैया, ये देश की जनता कांग्रेस के इस प्रकार के ऐलानों को जानती है। गरीबी हटाओ का नारा जवाहरलाल जी ने भी दिया, बाद में इससे अच्छे शब्दों में इंदिरा जी ने दिया, अंग्रेजी कर राजीव जी बोले और कोई भाषा में सोनिया जी भी बोली, अब फिर से राहुल जी बोल रहे हैं। तो 5 पीढ़ी से तो इस देश की जनता एक ही परिवार का नारा सुनती आ रही है, गरीबी गई नहीं। गरीबी को बदलने का काम, गरीबों की स्थिति को बदलने का काम और भाग्य हमारे नेता नरेंद्र मोदी के भाग्य में आया। ये 5 साल के अंदर 55 साल तक इन लोगों का साथ, एक परिवार का शासन रहा, 4 पीढ़ी तक शासन रहा, कुछ नहीं करा। हमने हर गरीब के घर में बैंक अकाउंट भेज दिया, 30 करोड़ बैंक अकाउंटों को खुला, 7 करोड़ गरीबों के घर में गैस के सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाकर दिया है, उनको सम्मान के साथ जीने का, वो महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का एक जरिया दिया है, 2.5 करोड़ गरीबों को घर दिए, 2.35 करोड़ गरीबों को घर के अंदर बिजली दे दी, वो 2.5 करोड़ घर जो दिए बिजली के साथ के दिए। आज लगभग लगभग देश में कोई घर ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंची है। 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के तहत हमने 5 लाख तक का स्वास्थ्य का सारा खर्चा, सारी टेस्टिंग, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए हॉस्पिटलाइजेशन और दवाइयां, सभी बड़ी बीमारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीबों को देना शुरू किया है। अभी मेरे पास लेटेस्ट आंकड़ा नहीं है, 4-5 दिन से मैं पूछ नहीं पाया, मगर 20 लाख से ज्यादा लाभार्थी अब तक इस योजना के तहत अपना ऑपरेशन करा चुके हैं, 20 लाख से। तो उनका काम नारे देना है, हमारा काम काम करना है, वो नारे दे रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, देश की जनता दोनों को देख रही है।